Welcome students, this is maths worksheet for class 8. अच्छा देखिए बेटा, difficult time है इसमें आपको और हमको सबको adjust करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप सब भी cooperate करें और देखें कि हम किस तरह से set को start करते हैं. ठीक है बेटा, तो देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, chapter set है. अच्छा इसका first 3 pages को पहले read करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सेट क्या चीज़ है. व्हाट इज सेट? सेट क्या चीज़ है? सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अब देखें मैंने इसमें किस किस को अंडरलाइन किया हुआ है, वेल डिफाइंड को और डिस्टिंग को. ठीक है, अच्छा इसके बाद ये देखेंगे कि कैसे सेट को कैसे लिखा जाता है. सेट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय अ कैपिटल लेटर. तो आपके पास देखें कि ये कैपिटल लेटर है जहाँ जिससे हमने किसी भी सेट के नेम को रिप्रेजेंट किया हुआ है. मेंबर्स ऑफ सेट मे बी न्यूमरल्स और नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स, लेकिन अल्फ़ाबेट्स कौन से इस्तेमाल करेंगे? स्मॉल लेटर्स. ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने जो उसके मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनको हमने नंबर से या फिर स्मॉल लेटर से शो किया है. अच्छा हर मेंबर को सेपरेट किया है बाय कॉमा और सारे मेंबर्स को इनक्लोज किया है ना कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, चलें लेट्स सी ए. तो ए में आपके पास क्या है? ए में आपके पास कलेक्शन है. किस किस की कलेक्शन है? 1 2 3 4 ए बी सी. ठीक है, बी में आपके पास किस किस की कलेक्शन है? वी हैव कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 3 2 5. एंड सी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? सी में हमारे पास मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5. ओके, अच्छा लेट्स सी ए. ओके, अच्छा जी, अब मुझे ए में ये बताइए बेटा कि ए में हमारे पास जो है वो कैसे पता चलेगा ये किस चीज़ का सेट है? ठीक है, तो इसको गेस करना मुश्किल है इसलिए कि कोई भी इसको गेस नहीं कर सकता ये किस चीज़ का सेट है, क्योंकि सेट जो है द कलेक्शन ऑफ सेट ए इज़ नॉट वेल डिफाइंड. ठीक है, तो जब तक आपको मेंबर से ये नहीं पता चलेगा कि ये किस चीज़ का सेट है, तो हम कैसे बताएंगे कि सेट ये जो हमारे पास गिवन सेट है वो किस आपके पास जो है वो किस चीज़ का सेट है. नाउ सी द कलेक्शन बी. अब कलेक्शन बी में हमारे पास हैं तो नंबर्स. ठीक है, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर्स का सेट हो सकता है. नहीं, दिस इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन द कलेक्शन ऑफ बी इज़ वेल डिफाइंड बट नॉट डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट कैसे है कि आपके पास जो भी कोई एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए. ठीक है, यानी आपके पास द मेंबर ऑफ एनी सेट विल नॉट बी रिपीटेड. इसका मतलब कि ए एंड बी आर नॉट सेट्स बिकॉज दे आर नॉट वेल डिफाइंड एंड दे आर नॉट डिस्टिंक्ट. लेट्स सी सेट सी. नाउ सेट सी हैविंग मेंबर्स 1 2 3 4 5, इट मीन्स दैट कलेक्शन सी इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, हेंस इट इज़ अ सेट. ठीक है, तो इसका मतलब सेट की डेफिनेशन क्या थी? अ सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. ओके, चलें गो थ्रू पेज नंबर 1 2 3 विच हैविंग डिफरेंट डेफिनेशंस. ये सारी डेफिनेशंस आप लोग पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. Welcome, it's my Jabeen here. I'm explaining worksheet number 1 of class 8. Subject is mathematics. The question number 2 is here. Find power of A. यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं दूसरी एग्जांपल दे रही हूँ, ये आप समझेंगे तो आप खुद ब खुद वो कर लेंगे. यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, ए इज़ गिवन सेट 1 2 3, देन फाइंड पावर ऑफ ए. पावर ऑफ ए नम क्या होता है ये पहले डिफाइन करें. पावर द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट विच इज़ इक्वल टू 2 raised to power n. इसमें पॉसिबल सारे पॉसिबल सबसेट हैं, जिसमें प्रॉपर सबसेट्स भी होंगे और इम्प्रॉपर सबसेट भी होंगे. द ऑल पॉसिबल सबसेट्स आर कॉल्ड पावर सेट. यहाँ देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज हेयर 3. वी कैन पुट हेयर 2 raised to power 3. 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8. तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे यहाँ पे? 8. यानी 8 पॉसिबल सबसेट्स आपके बन सकते हैं. पावर ऑफ सेट्स फाइंड करने के लिए आप सेपरेट करके कॉम ब्रैकेट्स में लिखेंगे. फर्स्ट है एम्प्टी सेट, नल सेट. नल सेट एवरी सेट का सबसेट होता है, चाहे नल सेट ही हो. नल सेट
इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. फिर आप उनको सेपरेट करके लिखेंगे, देन 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3, 1 2 3. यहाँ पे 8 सबसेट्स बन गए. यहाँ देखिए, यहाँ 8 पूरे ये इसकी पावर सेट्स हो गई. अब इसमें लास्ट वाला सेट जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, विच इज़ इक्वल टू ए, जो कि ए के इक्वल है. यानी ए और लास्ट वाला सबसेट इक्वल है, ये कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट. और बाकी के सारे सबसेट प्रॉपर सबसेट्स होंगे, अंडरस्टैंड, जो कि ए के इक्वल नहीं है. ए इज द ऑल सेट्स आर नॉट इक्वल टू ए, सो वी कैन से द ऑल द अदर सेट्स आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. ओके, क्वेश्चन इज एट द फॉलोइंग. दिस क्वेश्चन इज सिलेक्टेड फ्रॉम योर बुक चैप्टर 4 एंड एक्सरसाइज 4.4 में से ये सिलेक्ट किया गया है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी अचीव्ड बाय कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स को कंबाइन करने के बाद आपको एडिशन फाइंड कर लेंगे. यहाँ 3 टर्म्स हैं. एक एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ. नंबर इसका है 7x + 3y³ - 4xy. नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 3x - 2y³ + 7. एंड द नेक्स्ट लास्ट टर्म है 2xy - 5x + 6y³. आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो. नंबर वन वर्टिकल मेथड एंड द नेक्स्ट वन इज़ हॉरिजेंटल मेथड. फर्स्ट वन बाय वन हम दोनों मेथड से करेंगे. वर्टिकल मेथड में वर्टिकली लाइक टर्म्स एक साथ लिखे जाएगी. 7x + 3x - 5x. इन 7x में 3x प्लस करेंगे, 10x - 5x, ये 5x इज आंसर. इसी तरह से 3y³ - 2y³ + 6y³ को सॉल्व करेंगे, द रिजल्ट इज 7y³. एंड 4x - 4xy + 7xy और + 2xy को सॉल्व करेंगे, द रिजल्ट इज 5xy. सिमिलरली इसको हॉरिजेंटल मेथड से सॉल्व करेंगे, हॉरिजेंटली इनको